हेलो जी, मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज घर के पीछे से, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं इंडियन आमन पत्ता लाने। तो आपको दिखाते हैं क्या क्या से बनेगा वो। तो इधर के साइड से देख सकते हो क्या ही मौसम, उधर सूरज, इधर से आए हम। तो अभी यहाँ से हम लोग कुछ लीफ ले लेते हैं, बनाना लीफ जितना भी एकदम सूखा हुआ, जो नीचे गिरा हुआ होगा उसको अवॉइड करना। जैसे कि ये सब है पत्ती गाछ में लटका हुआ, ये सबको आप लोग ले सकते हो एकदम। मैं दिखाता हूँ, मैं लेके ये सब मैंने यहाँ से इतना सारा ले लिया। तो अब चलते हैं, और एक सीक्रेट लीफ है जैसे उसे लाने के लिए, बट ये कुत्तों से मुझे डर लग रहा है, तो लाइन से मेरा, चलो जो होगा देखा जाएगा। ये कुत्तों से बड़ा मैं ही सबसे बड़ा कुत्ता हूँ, तो क्या ही उखाड़ लेगा ये लोग मेरा। तो अभी चलते हैं, फिलहाल इधर तो लीप ले लिए, और कुछ लीप लेते हैं सूखा हुआ उधर से, आप लोगों को दिखाते हैं कौन सा वाला ले रहे हैं। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बादाम पेड़, बादाम का पेड़ या जो भी बोलते हैं इसका। ये यहाँ पे छोटा छोटा गाछ ये बागान में लगाया हुआ है, तो यहाँ से मैं विदाउट परमिशन थोड़ा थोड़ा सूखा हुआ पत्ता ले रहा हूँ, क्योंकि सूखा हुआ पत्ता के लिए किसी से परमिशन नहीं चाहिए। यहाँ से एक मिल चुका है और उधर भी ले लेता हूँ कुछ। देख सकते हो खेत के धार में पूरा सूखा हुआ दो दो बंडल मिल गए, पर इन्हें मैं उठाऊँगा नहीं, क्योंकि ये नीचे गिर के बैक्टीरिया इस पर पूरे चिपक के रह जाते हैं। तो अभी मैं इतना से काम चला रहा हूँ, बाकी बात बनाना लिपि रेल ले रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे चुप चुपाए चूड़ी कर लिया, देख सकते हो इतना बड़ा ढाल तोड़ दिया। इसे घर पे लेके जाके स्टोर करके रखूँगा, जैसे कि मुझे बार बार इधर के साइड में जंगल में आना ना पड़े। ऐसे आने में घूमने में मज़ा आता है, वो ऐसे एकदम खाली बदन क्या ही बताए, और छोड़ो उल्टा करके दिखा रहे हैं। चलिए फिलहाल घर पर, उसके बाद आप लोगों को बाकी बात प्रोसेस बताते हैं। गए ठीक है, यहाँ पे हम पहले का जो स्टोर किया हुआ मेरे पास कुछ था, बनाना लिप्स और इंडियन आमन लिप्स, तो उसको मैंने यहाँ पे उबालने के लिए छोड़ दिया था। बट इसमें मैं इसको बहुत गाढ़ा करने वाला हूँ, तो अभी और एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। फिलहाल ये सब जो पत्ती मैंने लेके आया, इसे अभी धो लेंगे हम। पुराना टैंक वाटर से ही धोना सबसे बेस्ट होगा, जैसे मेरे आउटडोर पॉन है, मैं इसी में धो लेता हूँ इसे, क्योंकि ये मैंने सब घास से लगा हुआ तोड़ा हुआ, प्लस ये गर्म पानी में उबालेंगे इसको, तो जितना भी है इसका बैक्टीरिया ये ऐसे ही निकल जाएगा, समझे। बस इसको 20 से 25 मिनट बस इसको इतना गर्म करना है, जैसे कि इसका जितना भी बैक्टीरिया हो, जितना बैक्टीरिया सब वो भी निकल जाए। और दूसरा बात देखिए, इसका कलर आ रहा है क्या, मस्त कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो इसको पूरा डीप करेंगे हम आज, पूरा डार्क पानी बनाना है मेरे को, जैसे कि मेरा ये वाले टैंक के लिए, कॉस्कर का जो ये वाला टैंक है, इसके लिए हमको पूरा डार्क वाटर बनाना है। और एंजल को भी मैंने ब्रीडिंग में बैठा के रखे है, तो एंजल का भी करना है। और ये तो हम लोग का ऑस्कर है ही, और इधर हम लोग का शिवराम, शिवराम का साइज भी अच्छा बड़ा हो गया, देख सकते हो अभी तो दूर है, तब भी ऑस्कर सबका तो पूछो ही मत, ये लोग मस्त फीडिंग लेते हैं। तो अभी निकलते फ़िलहाल, वो पानी को पूरा अच्छा से क्लीन करते हैं। मैं अगर अभी जो अगर क्या बोलता है अपना आउटडोर पॉन्ड का बात करें, तो यहाँ पे बेटा को एक्लिमेट होने के लिए छोड़े हैं हम लोग का, ये फुल मून बेटा है, और इधर हम लोग का ये वाइट वाले के साथ ब्रीडिंग करवाएंगे। तो इसे भी फिलहाल रिलीज़ कर देते हैं इस पर, ये दोनों इस टैंक में कुछ दिन रहे, और इसमें मैं एक ये दे देता हूँ क्या बोलता है ऊपर से प्लास्टिक, बेस्ट होता है यही वाला पन्नी जो एक्वेरियम शॉप से हम लोग को मिलता है, और मेरे पास तो स्टॉक में ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा फिश ले लेके आके रखा हूँ। तो भी मैंने यहाँ पे प्लॉथिन डाल दिया, फ्रेश वाटर है कुछ पुराना वाटर है, तो दोनों का एक लिमिट पोजीशन यहाँ पे कंप्लीट है, तो इन दोनों को भी रहने देते, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। गप्पी टैंक सेटअप, ये देखो कितना सारा गप्पी का फ्राई है, और बड़ा बड़ा गप्पी है इसमें फ्राइज है देखो छोटे छोटे, इन्हें अलग करना होगा नहीं तो ये सब खा लेंगे। गप्पी दिखाए तो यहाँ पर हम लोग का जो होता है एग्जॉटिक गप्पी वो है, देख सकते हो लकड़ी के नीचे या कहीं भी, इसमें सब एग्जॉटिक गप्पी है। ये देखो एग्जॉटिक गप्पी के बच्चे घूम रहे हैं, ये पंख फड़फड़ाते, इधर भी है बहुत सारे। स्नैक हेड गप्पी जो बोलते हैं वो है यहाँ पे सब, और इसमें दो कलर वीडियो भी है, एक कलर वीडियो यहाँ पे छुपा हुआ है और एक इधर है। ये फीमेल है, पूरा लोडेड है एकदम, तो 15 दिन पहले के बच्चे का, ये देखो सब ये 15 दिन के पहले के बच्चे हैं, 15 से 20 दिन के, मतलब इसमें मिक्स है सब कलर। इस जितने भी ये तीनों टैंक से जितने बच्चे आते सब मैं उठा उठा के यहाँ डालता हूँ। इसमें एक फीमेल है, इसको थोड़ा चोट लगा हुआ है, वो बोल के मैंने इसको यहाँ डाल के रखा है। और अपना मेन टॉपिक से भटकते हुए हम लोग इधर उधर घूमना स्टार्ट कर चुके थे, तो हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये पानी का कलर कतई भयंकर होने वाला है, पूरा एकदम
तो अभी इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना जितना भी टैंक है तो वाटर फिल करने से पहले इस टैंक से इतना पानी निकालते हैं और इस टैंक से भी इतना पानी निकालते हैं, नहीं तो ये क्या होगा, पानी पूरा जम के रह जाएगा। तो चलो अब पानी निकाला जाए। तो टैंक का वाटर खाली कर चुके हैं, इस पे इतना, तो अब सब फिल्टर को वॉश किया जाए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से इसमें से इस छकनी के मदद से, उसके बाद सबसे पतला ये टिशू के मदद से, ये महारानी ऐसे पकड़ के रखा है, उसके बाद टैंक में भी 2 या 3 मग कतरा दिए, टैंक का कलर अच्छा हो रहा है, और एंजल में भी अभी डाले हैं। तो अभी पूरा फाइनल करते हैं, उसके बाद फाइनल लुक दिखाते हैं। अगर फाइनल रिजल्ट टैंक का बताने जाए कैसा लग रहा है तो ये देखो, ये ठीक 2 दिन बाद का है, क्योंकि पहला दिन उतना क्लियर हुआ नहीं था तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो ये देख सकते हो, मस्त हेल्दी, और इसको मतलब इंडियन आमंड ऑयल का जो पानी होता है उसको डालना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि फिश उसमें बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, बहुत एक्टिव रहता है, और वो वाटर को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, फिश को तैरने में बहुत आसानी होता है। तो यही था आज का वीडियो, अब मिलते हैं एक अच्छा सा वीडियो के साथ में।